अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखें आप लोग ये मेरे घर का क्या हाल हुआ है। ये बच्चों को लगी हुई है शदीद किस्म की भूख। आज असल में मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सुबह तक बैठ के काम करती रही हूँ वीडियोज़ के ऊपर, चैनल के ऊपर। तो मैं अब ये बच्चे मेरे इत्तेजाज कर रहे हैं, इनको भूख लगी हुई और मैंने अभी तक कुछ नहीं। व्हाट डू यू वांट? और इन्होंने देखें उस गुस्से की हालत में, प्रोटेस्ट की हालत में देखेंगे कमरे का क्या हाल किया ये। और ये मेरी अलमारियां तो परमानेंट समझे ये पेंट हो गई हैं, इनका जितना मर्जी मैं कर लूँ कई बार निकाल के पेंट पेंट करती रहती। ज़रा ये देखिए, अच्छा ये साफ़ हो गई हैं, लो जी फिर से पेंट स्टार्ट कर दिया। और कायना तो अपनी कार लेके निकली। कायना कहाँ जा रही हो? मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ। शॉपिंग पे क्या करने जा रही हो, क्या लेके आओगी? मम्मा मुझे गोली। और ये देखिए इतना अच्छा ये बेड था ना, ये काये तैयबा ने इसके ये दोनों के डोर्स निकाल दिए क्योंकि तैयबा को घुसने की आदत, जैसे भी अलमारी पे घुस रही है इसने मेरे हर चीज को। ये देखे ये मेरी अलमारी का भी सारे चौक वगैरह से इसने नो तैयबा नो डोंट। और हाँ हाँ नहीं बेटा, गली में नहीं जा सकते। तो नहीं, आप लोग बताएं, आप लोग अपने शेयर करें कि आप लोगों का बच्चों के साथ गया। मैं तो खुद तंग आ गई हूँ इस बच्चों से सारा दिन। बच्चे भी बेचारे क्या करें घर में बंद रह के। पापा का इनका ऑफिस इस वक्त है, वो भी होम से भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी बिजी। जब टाइम होता है तो उसके बाद हमारे पास 8 बजे तक टाइम होता है कि हम लोग बाहर जा सकें, कुछ आउटिंग कर सकें। तो फिर बच्चों ने ये ऐसे गुस्से निकालने हैं सारे, यहाँ पे खिलौने फेंकेंगे, चीज़ें फेंकेंगे, ये किया हाल। दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा मैंने कहा मैं तो इतनी मेहनत नहीं करूँ, कर लो एक ही दफ़ा रज के जितना गंद डालना है डालो, फिर मैं करती हूँ साफ़। और साफ जितनी दफ़ा साफ कर लो बार बार। और तैयबा की आदत है, तैयबा को थोड़ा सा ना सेंसरी इशूज़ भी, ज़ाहिर बात है बच्चों के अपने इशूज़ होते हैं, स्पेशल नीड्स होती हैं, तो इसके ऊपर बेडशीट नहीं डालने देती इसको। ये जो कंबल है ना, ये ब्लैंकेट वगैरह इतने पसंद है, और इसने यही जो एज ए बेडशीट यही बिछाना होता है, यही करना होता है। अगर इसके ऊपर बेडशीट बिछी हो तो तैयबा जी उतार के वो फेंकती हैं और निकालती हैं, कहती है ये आप इसके ऊपर मामा डालो। तो ये है मेरे बच्चों का कमरा और इसका ये हाल हुआ पड़ा है। तो चलते हैं आज किचन में। आज मैंने सोचा है बहुत ही स्पेशल किस्म की कोई चीज़ बनाने का, और काफ़ी दिनों से बल्कि मेरा दिल कर रहा था, और आज पता नहीं क्यों आज मैंने इतनी मुश्किल से पकड़ लिया, बहुत स्पेशल सी डिश बना रही हूँ आज मैं किचन में। तो चलें देखें किचन में मेरे साथ के आज क्या बन रहा है। रेसिपी टाइम करते हैं और किचन में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम अब किचन में, और किचन में जो सा है अब देखते हैं कि रेसिपी में आज क्या बन रहा है। आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ें दो बनाने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ मुर्गे मुसल्लम, बहुत ही इजी वे में, मतलब कह लो ईजी वर्जन में उसको बना रही हूँ। और ये असल में ये बेसिकली है मेरे फादर इन लॉ की ही रेसिपी, लेकिन वो बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं, और हम लोगों ने जो सा ना उसको आसानी के लिए या टाइम कम के लिए उसको थोड़ा सा ये मैंने सिस्टर इन लॉ से ली है अपनी रेसिपी। तो मुझे उसके ये बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलें आज घर में मैं यही बनाती हूँ। तो उससे पहले उसके साथ मैं बनाऊँगी रोगनी नान, वो भी घर पे। तो सबसे पहले हम रोगनी नान का डो लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आटा मैंने छान के रखा हुआ है, तकरीबन ये मैंने 1 किलो आटा लिया है, मतलब मैदा मैंने ये लिया 1 किलो। और इसमें मैंने 3 ये वाले तकरीबन टेबलस्पून मैंने लिए हैं, 6 चम्मच इसमें सूखा दूध, 1 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी ली है पिसी हुई, 1 टेबलस्पून ही इसमें मैंने लिया है ईस्ट, और 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया है, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा लेना है। तो इन सब चीज़ों को मैं छान के डालूँगी इसमें डाल देती हूँ। वैसे आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें चलो थोड़ा सा ऐसे, ये सब चीज़ें हो गई और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आटे का डो मैं इसलिए लगा के रख रही हूँ क्योंकि इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर इसके नान बनाएंगे और इसके फिर इंशाल्लाह नान देखिएगा आप कितने मज़े के बनते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें ये मैंने रूम टेम्परेचर पे दही रखा हुआ था, मैंने पहले ही इसको निकाल के फिर से बाहर रख दिया था। और इसमें जाएगा 1, 2 और ये 3 चम्मच दही के। रूम टेम्परेचर का लेना, आपने ठंडा नहीं लेना। और साथ ही इसमें बटर या घी आप यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें घी यूज़ कर रही हूँ। 3 चम्मच इसमें डाल। अच्छे से इसको अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मैं काउंटर पे काम कर रही हूँ और कायना मेरी इतनी प्यारी बेटी है, मैंने साथ में जो है वो मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए, वो फुल हो चुकी है और कायना अब जो है मेरी हेल्प कर रही है और सारे कपड़े उसने निकाल के वो बाहर जो है डाल रही है सुखाने के लिए। अभी 2 रहते हैं। ओके, ये अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे कि इस तरह से इसके ब्रेड क्रम्स बन जाएं, जिस तरह ब्रेड क्रम्स होते हैं ये क्रम्स से बन जाएं इसके। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही आप देख रहे होंगे कि सामान भी पड़ा हुआ है, मैंने प्याज भी फ्राई करके रखे हुए हैं, तो असल में मैंने उसकी भी तैयारी कर ली थी चिकन की चीज़ों की, क्योंकि उसको भी मैरिनेट करके रखना है पहले, उसको अच्छे से वो भी मैरिनेट हुआ होगा, उसको अगर आप चाहें तो ओवरनाइट आप मैरिनेट करें तो और ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो मैं तो तकरीबन ये लंच और डिनर दोनों ही बना रही हूँ। अब 2 कप इसमें मैं लूँगी दूध के इसको भूनने के लिए, थोड़ा थोड़ा करके पहले डालेंगे। पहले मैं इसमें 1 कप डालती हूँ और इसमें जो सा दूध मैंने तो फिलहाल अभी ये रूम टेम्परेचर में ही लिया क्योंकि यहाँ पे तो वैसे इतनी गर्मी बाहर होती है, काटल से ही मैंने इसको निकाला था। तो आप इसको कोसा दूध ही लीजिएगा, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। आई थिंक इसमें 2 से 3 कप जाएंगे इसको भूनने में। दूसरा कप भी मैं ले लेती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा दूध हो जाएगा, अब मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट ही डाल लेती हूँ, लेकिन आपको अंदाजन समझ आ गई कि इसमें तकरीबन 3 कप दूध जाएंगे या जितना भूनने के लिए जो सा है वो दूध रिक्वायर्ड हो। तकरीबन रेडी है, इसमें तकरीबन 3 से 3.5 कप गया दूध। अब 3 चम्मच मैंने पहले ही इसमें डाले थे घी के, अब ये गूंदने के बाद तकरीबन 2 चम्मच अब इसमें मैं और डाल रही हूँ और इसको अब हम इसमें अच्छे से गूंद लेंगे। इसके जो डो है वो बहुत ही मतलब सॉफ्ट, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, तो नान जो से हैं वो फिर बड़े अच्छे से बनते हैं। इसको अब हम घी में अच्छे से कर लेंगे ताकि ये जितने भी, ये देखिए ये रफ सी एक डो है ना, इसकी शक्ल जो सी है बड़ी फाइन सी बन जाए, स्मूथ सी एक इसकी डो बन जाए। तब तक इसको इसके जो सा गूंदने का ही सारा मतलब है, इसको अच्छे से हमने मतलब इसकी जो नीडिंग है वो हमने बहुत अच्छी कर ली, जितना अच्छा ये गूंदा होगा आटा जितने अच्छे से लगा होगा उतने ही अच्छे नान भी बनेंगे।
तो इसको हम अच्छे से 5 से 10 मिनट अच्छे इसको एक जो से वो अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको भूनती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखें जो तकरीबन रेडी है, देखें इसको मैं अगर दबाती हूँ तो ये वापस को फ़ौरन आ जाता, मतलब इतनी ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए, ये बिल्कुल इसकी जो सा है वो तकरीबन हो के इस तरह से रखना है। अब हम इसको किसी गर्म जगह पे तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से रेज हो जाए, कम से कम 2 घंटे के लिए, वरना आप इससे ज़्यादा भी टाइम रख सकते हैं। तो इसको मैं रखती हूँ, मैं ओवन चला के इसको तकरीबन ओवन को गर्म कर लूँगी और फिर उसको बंद करके तो वो गर्म गर्म में इसको सेट होने के लिए मतलब रख दूँगी ताकि अच्छे से फूल जाए। फ्रेंड्स, तो चलते हैं अब अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसमें मैंने ये देखें तकरीबन 1 पाव दही ले लिया है और इसको मैं अच्छे से फेंक लूँगी। और ये मैंने तकरीबन 3 अदद दरमियाने प्याज लिए थे और इनको मैंने फ्राई करके रख दिया था और अब इसको मैं बिल्कुल चूरा चूरा करके इस तरह से देखें बिल्कुल मतलब इनका पाउडर सा बना लें, अच्छे से इनको पाउडर बिल्कुल बना के वो मैं इसमें दही में ऐड कर दूँगी। इस वक्त यहाँ पे असर का टाइम है, लंच का टाइम तो ओवर हो चुका है, मुझे तो लगता है मेरी ये रेसिपी जो है ना इवनिंग में ही बनेगी। ये देखेंगे बिल्कुल इस तरह से चूड़ा फॉर्म में कर लेना और फिर इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसमें मैं ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच इसमें डालना, लेकिन मैंने इसको ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया, ये ऐड कर देंगे। और मैं ज़रा हाथ साफ कर लूँ और अब इसमें ऐड कर देंगे मसाले। मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, 2 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी रख सकते हैं, और 1 चम्मच तकरीबन मैंने लिया है कोरमा मसाले का पाउडर पैकेट वाला जो होता है, और 1 टीस्पून गरम मसाले की, और 1 टेबलस्पून ही मैंने हल्दी लिया है, और 1 टीस्पून मैंने क्यूमन सीड पाउडर मतलब जीरा पाउडर लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया पाउडर लिया है। ये सब डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी से मैं मिक्स कर लेती। और अब इसमें जो मैंने प्याज जिसमें फ्राई किए थे 1 कप तकरीबन मैंने वो ऑयल लिया था, और उसी ऑयल को मैं गरम करके इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं ये चिकन पीस लूँगी। वैसे तो इसमें मुर्ग मसल्लम में पूरा चिकन ही सालम चिकन जाता है, लेकिन मैंने ये लेग और थाई के पीसेस लिए हैं और ये मैं डालूँगी इसमें, साथ में थोड़ा सा मैंने थाई भी ले लिया अलग से। ये तकरीबन 1 किलो और 200 ग्राम कुछ मतलब गोश्त है, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको थोड़ा रख देते हैं वापस। जिसमें आपने बर्तन में पकाना है ना, आपने मतलब ये मुर्ग मसल्लम ये मसाला उसी में लगाना है चिकन को, और इसी में लगा के आप इसको तकरीबन 2 घंटों के लिए कम से कम मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको काइना भी वेट करो। बच्चों को लगी हुई असल में भूख, आज थोड़ा लेट हो गया है, मैंने बस ऐसी पंगा ले लिया आज, इतनी मुश्किल डिश पकड़ ली ऊपर से नान, क्योंकि उनको टाइम लग इन दोनों चीज़ों को ही टाइम लगना है मैरिनेट होने में और उसको भी जो सा रेस्ट देने में कि नान वगैरह जो सा वो हो जाए। तो बस इनका वो मैं देखती हूँ हल्का फुल्का कुछ दूँ। तो ये तो मेरा लंच की बजाय इवनिंग में जो सा ना लंच होगा आज, लेकिन
बहुत मज़ा आएगा खाने का, क्योंकि जब इतनी मेहनत के बाद इतनी पसंद की और अच्छी चीज़ बने तो उसका खाने का मज़ा भी मतलब फिर बहुत आता है। इस तरह से अब ये तकरीबन एक कप गरम तेल है, ये देखिए इसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा गर्म है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा करके इसको पहले मिक्स कर लूँगी। आपने इसको ज़रूर 2 घंटों के लिए या ओवरनाइट रखे तो बेस्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा ना इसको रखे तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि मैं इसको अभी ही कुक करूँगी, मुझे इसको मैरिनेट करने का टाइम नहीं, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ जैसे देर हो चुकी है, लेकिन मैं इसको अभी ही कुक करने के लिए रख दूँगी। ये देखो अच्छे से हो चुका है सारा प्याज वगैरह मसाले, और ये अभी से इसकी शक्ल कितनी मज़े की लग रही है, आपको यकीन करें जब ये पक के रेडी होगा तैयार होगा तो यकीन करिए इतना टेस्टी होता है ना। मुझे बहुत ये रेसिपी पसंद है, पहले तो मैं क्या कहते हैं फादर इन लोग को रिक्वेस्ट करके कहती थी ये स्पेशल बनाएं, तो वो बनाते थे, और फिर उसके बाद जो सा है मेरी जो सिस्टर इन लोग छोटी उसने ये न्यू वर्जन इजी वे निकाला, फिर उससे मैं रिक्वेस्ट करके ये बनवाती थी, और अब तो मैं यहाँ पे हूँ तो फिर मुझे उससे रेसिपी खुद ही ली, और मैंने कहा चले मैं खुद इसको बनाती हूँ और आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। तो बस ये हो गया, अब इसको मैं ढांप के इसको चूल्हे पे रख दूँगी बिल्कुल हल्की आँच पे पकने के लिए, क्योंकि दही अपना पानी छोड़ देगा और चिकन भी पानी छोड़ेगा, ये बिल्कुल अभी लिक्विड ही हो जाएगा, तो इसको फिर मैं हल्की आँच पे पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है, और इसको हम तकरीबन हल्की आंच पर अभी 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे कि ये दही बिल्कुल पानी चिकन और पानी छोड़ देगा, तो फिर इसको हम साथ साथ जो सा पलटते रहेंगे ताकि वो दही की वजह से नीचे मसाला लग ना जाए। ये मैंने कर दिया है किचन लॉक, क्योंकि मैंने रखा है चूल्हे पे वो सालन आपके सामने, मैंने उसको रख दिया पकने के लिए, अब उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा और कायना का पेपर स्टार्ट होता है। आज मेरे बच्चों पे बड़ा जुल्म हो गया। ओके बेबी वेट करेंगे, बेबी जब खाना बन के रेडी होगा ना यम्मी बहुत टेस्टी बनेगा, सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र का फल मीठा होता है ना। ईटिंग ईटिंग आई एम हंग्री आई एम हंग्री, बस यही चाचू किचन के पास। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, तो इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए अब इसको एक दफ़ा हम पलट लेंगे। इसको हमने टाइम टू टाइम साथ साथ इसको ना पलटते जाना है और चम्मच भी हिलाना, ताकि जो क्योंकि ये दही का मसाला है और इसको कोशिश करनी है कि ये नीचे ना लगे ना, तो इसको एक दफ़ा से टर्न करके सारा, तो इसको फिर से ढांप के रख देंगे पकने के लिए। जो मुर्ग मसलम होता है आप सेम यही जौन सा है इसमें आप साबुत जौन सा है वो चिकन भी रख सकते हैं, तकरीबन 900 ग्राम का या कुछ भी उस तरह से कट वगैरह लगा के, तो उसका भी यही है कि अगर पूरा का पूरा इसमें सालम चिकन भी है तो उसको भी आपने एक साइड से दूसरी साइड से बार बार इसको पक यानी कि पलटना है, ताकि वो अच्छे से पक भी जाए, कच्चा ना रहे और मसाला लगे भी ना नीचे, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना। चीज़ें जौन सी रेसिपीज़ मतलब टेस्टी होती हैं वो थोड़ी ट्रिकी भी होती हैं, और जाहिर बात है खाने का तो फिर वो मज़ा तब भी आता है उनका, तो इनको अच्छे से बनाया जाए। इसको मैं फिर रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए ढांप के। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ना तवा रख के दम पे रख दिया, तो ये तकरीबन ही रेडी है। इस स्टेज पे तकरीबन पानी इसका काफ़ी खुश्क हो चुका है, तो मैंने कहा कि मतलब आंच का जितना मर्ज़ी ख्याल करो, ये दही का मसाला है ये नीचे ना लगे, इसलिए इसको मैंने तवा रख के तो बिल्कुल हल्की आंच पे बिल्कुल लो जो फ्लेम होती है उस पर इसको रख के, तो अब मैं तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए वो दम दे दूँगी। ये तकरीबन रेडी है ना, तो
अब इसको मैं ये 10 मिनट के लिए इसको ढांप के रख दूँगी और उतनी देर में हम नान तैयार कर लेते हैं। और ये देखें जरा, ये मैंने एक मिनट के लिए रेस्ट दी है, मैं गई हूँ और ये तेरा बीबी ने जो है ना मेरे पेड़ों के ऊपर दूध लगा दिया। हाँ जी बेटा, नान बना रहे हैं। तो ये मैंने पेड़े करके रख लिए थे, दो भी अच्छे से हो गए थे। अब ये मैंने इसके लिए लिया है सूखा दूध और इसमें मैं डाल दूंगी ये दूध लिक्विड के लिए, क्योंकि ये हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, जब नान को हम बनाएंगे तो उसके ऊपर हम ये लिक्विड लगाएंगे। तैबा वेट बेबी, तैबा को इस वक्त बस कुकिंग आ रही है मामा की तरह, इस पर सवार हुई है कि मामा कुछ कर रही हैं, मैं भी मामा के साथ ना करूं। तैबा को बहुत शौक है इस तरह से, आ जाती है बस मेरे पास किचन में, इसलिए मैं अक्सर किचन को लॉक रखती हूँ। तैबा आप मामा के पास बस खड़े रहो साइड पे, ठीक है, आपने ट्रबल नहीं करना, पीछे जो बेबी। स्टॉप बेबी, स्टॉप बेबी, अभी नहीं करेंगे कुछ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेती हूँ। आप चाहें तो ये पेड़ा लेके इस तरह से इसको हाथ की मदद से भी ऐसे फैला सकते हैं, और रोलिंग पिन से भी बेलना चाहें तो उससे भी बेल सकते हैं। तैबा वेट बेबी, इसको बेल लेंगे ऐसे और इसको इस तरह से हाथ की मदद से इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। इस पे हम ये दूध लगा देंगे। तैबा आप चाहे तो इनके ऊपर जो सा अपनी मर्जी से तिल लगाएं, कलौंजी लगाएं, चाहे तो हरा धनिया या लहसुन, जो सा मर्जी, मतलब नान जो सा वो अच्छे से बनाना चाहे, वो दूध हम अच्छे से लगाएंगे ताकि ये दूध की वजह से इसमें जो सा ना कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको मैं रख दूंगी ये बेकिंग ट्रे में इस तरह से, एट ए टाइम मैं दो बनाऊंगी, मैं अभी ओवन में बना रही हूँ, आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। एक अब ये वाला देखेंगे, मैं थोड़ा सा मोटा बनाऊंगी, मतलब इसको मैं ज़्यादा बेलूंगी नहीं, उसको बस मैंने ऐसे लेके थोड़ा सा इस तरह से किया, इस तरह से, ये पेट की मदद से इसको मैं इस तरह से दबा लूं। प्लेट का साइज थोड़ा सा छोटा है, अच्छे से नहीं होल बना, कुछ दूसरा लेती हूँ। नो बेबी, इसी से कर लेते हैं, जितना भी होता है इसको अच्छे से दबा लेंगे और इस तरह से इसको, नहीं हो रहा मेरे पास ऐसा, मैं वो है ही नहीं, तो नहीं तो मैं आपको बताती दिखाती, बल्कि करना बस वेट कर लो थोड़ा सा। ऐसे कर लेंगे इस तरह से, इसको दूध लगा लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा बड़े भी बना सकते हैं, शेप आपके ऊपर है, गोल बनाना है, लंबा बनाना है, जिस तरह से अफगानी नान होता है जैसे, उस तरह से बनाना ओवल शेप में। Thank you.
छोटा वाला है इसको मैं तेल लगा दूंगी थोड़ा सा, और इसको हाथ की मदद से ऐसे मैं थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि जो तेल है वो अच्छे से चिपक जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया लगाऊंगी थोड़ा सा। मुझे ये जो गार्लिक और ये धनिया है मुझे इतना पसंद है, मैं ज़्यादा ये पसंद करती हूँ, तो मैं ये इसको अच्छे से लगा के इसको प्रेस कर दूँगी इसको कर दूँगी। और अभी हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। ये देखें फ्रेंड्स कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं और हल्का हल्का कलर भी आ गया है, बहुत अच्छे से बेक हो रहे हैं। आज तो मेरे बच्चों ने ना बस मेरा हमला किया हुआ किचन पे, तो कायना नो कर कायना। तो फ्रेंड्स तो और जैसे ही ये निकले तो इसको फौरन आपने डोसा है बटर से या घी से जो भी आप मतलब करना चाहे इसको, और ये इसकी मैं इस पर बटर यूज कर रही हूँ तो बटर से इसको मैं फौरन शक्ल देखी जबरदस्त आई। और इसको मेरे बच्चों का बस नहीं चल रहा कि ये बस ट्रे उठाएं नान का और बस ले जाएं यहाँ से, तैयबा कायना दोनों इस वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। यम्मी और ये सॉफ्ट भी कितना, बाकी के नान भी हम बेक कर लेते हैं। इसके लिए देखिए ये मैंने थोड़ी सी इसकी शेप चेंज की है, ये अफगानी नान जैसा मैंने इसको किया है इसको ओवल शेप में मैं इस तरह से करूँगी ऐसे, और साथ में इसको मैं फोक की मदद से अब इसको फोक से मैं इस तरह से लगा के, तो उसी तरह ऑयल लगा के चीज़ें ऊपर लगा के तो इसको मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। ये वाले नान भी रख दिए और उससे पहले जो ये दो नान रखे थे ये देखें ये भी बेक होके आ चुके हैं। फ्रेंड्स तो ये देखें सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। इसको मैं चूल्हा भी बंद कर दूँगी और ये देखें ये तवा रखने की वजह से ये नीचे मसाला बिल्कुल भी नहीं लगा और कहीं से भी ये जला नहीं है। अब इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स तो देखें ये डिश हमारी बन के बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने सर्व कर लिया है। ये है नान और साथ में ये मुर्गे मसल्लम, और तैयबा ने तो इस पर अभी से अटैक कर दिया, उसने तो वेट भी नहीं कर रही कि मामा सर को बच्चों को सच्ची में बहुत भूख लगी हुई है और ये तो फेवरेट है इसका खाना। मैं अब आपको सबसे पहले नान दिखा दूँ, ये देखें नान कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं, और आपको मैं ये देखें इसको अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊँ तो ये देखें कितना सॉफ्ट है और कितना मज़े का है, और आगे और पीछे से ये देखें बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये लंबे वाले जो नान है ये मैंने अफगानी स्टाइल में बनाए हैं, इनको कफ्तान कहते हैं, पता नहीं क्या ये तिल वाले हैं, ये भी मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें कितना मज़े का और कितना सॉफ्ट और कितना नरम है। आप लोग भी बनाएं अपनी फैमिली को खिलाएं और रेसिपी को जो सा है बाकियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें अगर अच्छी लगे तो, और अगर आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो
मिलते हैं तब तक। ये देखे तैयबा को, मैं आपको दिखाऊँ तैयबा। इसने यहीं पे इसको ख़त्म कर देने, मैं बच्चों को और खाना करती हूँ सर, क्योंकि हमारा लंच टाइम आज लेट हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।